हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। जी हाँ, कई लोगों को जो स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, बिहार सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी की, तो उनको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में। तो कई बार ऐसा समझा जाता है कि दोनों पोस्ट एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम लोग जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सैलरी कितनी होती है, कहाँ पोस्टिंग मिलती है, क्या क्या काम होता है, आगे प्रमोट होकर के क्या बनते हैं। तो सबसे पहले तो बीपीएससी के थ्रू आजकल ये पोस्ट दी जाती है। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी 65th में जो बीपीएससी आई थी, तो उसमें काफ़ी सारे सीट्स हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो कई लोग ये सोचते हैं कि यार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे बनते हैं, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की सैलरी क्या है। तो उन सबको मैं बता दूं कि डायरेक्ट बीडीओ का पोस्ट बिहार में नहीं है। बीडीओ क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पोस्ट होता है, जो कि पहले बीपीएससी के बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से दिया जाता था। झारखंड में अभी भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बीडीओ का पोस्ट दिया जाता है। जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनको बीडीओ का पोस्ट दिया जाता है, लेकिन बिहार में थोड़ा चेंज किया गया है। बिहार में आजकल बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर हैं उसमें डिप्टी कलेक्टर को DCLR या फिर SDO का पोस्ट दिया जाता है। तो आइए आते हैं वापस से इसके बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को रिवेन्यू ऑफिसर और सर्किल ऑफिसर में डिफरेंस पता करना है तो आप मेरे पिछले जो वीडियो है उनको आप चेक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले तो जो आपको वीडियो का पोस्ट डायरेक्ट नहीं मिलता है, सबसे पहले आपको रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। और एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये प्रोबेशन का पोस्ट है। आपको कहने के लिए तो वीडियो का ही काम करना होता है, क्योंकि पोस्ट वीडियो उतने हैं नहीं। जो भी बिहार SSC की जो पोस्ट थी पहले हुआ करती थी, उन पोस्ट के जो ऑफिसर्स थे उनको वीडियो या CO बना दिया गया था। लेकिन एग्जैक्टली अभी क्या होता है कि जो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो प्रभारी वीडियो की तरह ही काम करते हैं। मतलब उनको वीडियो की तरह ही काम करना होता है, लेकिन उनका पोस्ट होता है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट होता है और उनकी जो ग्रेड पे है वो 6th पे के हिसाब से 4600 ग्रेड पे, जो 4600 ग्रेड पे हुआ करता था वो दिया जाता है। और अभी 7th पे के हिसाब से लेवल 7 दिया जाता है। और यही अगर वीडियो की बात करें तो वो 3-4 साल के बाद जो पहला प्रमोशन होता है वो वीडियो में आपको प्रमोट होकर के बनेंगे। तो पहले RDO बनना होगा, उसके बाद ही वीडियो मिलता है, ठीक है। यानी कि वीडियो डायरेक्ट पोस्ट नहीं है बिहार में बीपीएससी के थ्रू। पहले रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जो सैलरी है वो लेवल 8 होती है, 4800 ग्रेड पे है उसका, तो उस हिसाब से उसकी सैलरी बनती है। तो 3 साल के बाद ही एक रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे प्रमोट होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि दोनों पोस्ट एक नहीं है। और इस तरह से पहले काम क्या होता है, अगर आप RDO के रूप में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं बीपीएससी के थ्रू, आपने आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, आपने RDO चुन लिया, तो एज ए RDO आपको आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ब्लॉक में होगी, ठीक है। ब्लॉक आपको पता ही है, जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं बिहार में काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। और वहाँ पे आपका काम क्या होगा, एक तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के सारे काम आप देख सकते हैं। तो जैसे कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी सारे स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, तो जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स होंगी, वो सारा जो जिसका सुपरविजन करना है या इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो BDO के हाथ में होता है, BDO और RDO के ही हाथ में होता है। तो RDO एक तरह से आप प्रभारी BDO की तरह समझ लीजिए,
ठीक है, एक तरह से प्रोबेशन पीरियड जो कह सकते हैं आप उसको 3-4 साल का, वो आप होता वीडियो का ही काम करता है, लेकिन वो वीडियो पोस्ट नहीं होता है, आरडीओ पोस्ट होता है, उसके 3-4 साल बाद प्रमोट होकर के ही वीडियो बनते हैं। तो उसमें मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो हो गया, आजीविका वगैरह, तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो सारा कुछ आपको वीडियो देखता है। दूसरी बात क्या होती है कि आपको पता होगा कि जो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, 3-tier जो गवर्नमेंट है, तो उसमें जो सबसे निचले स्तर पे आपको पता होगा कि वो उसमें ग्राम पंचायत ये सब जो होते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है, तो जिला परिषद का जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो होता है DDC होता है, जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, और जो कि डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट है, IAS या BPSC का जो फाइनल पोस्ट होता है, BPSC का जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का वो फाइनल पोस्ट होता है, जबकि DDC ऐसे IAS से बनते हैं तो 3 साल में बन जाते हैं। तो क्या होता है कि ये सारे काम आप जिला लेवल पे तो DDC हो गया है ना, और वहाँ पे आपको ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे प्रमुख जो होते हैं वो आपको इलेक्ट होके आते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से BDO सारी चीज़ें देखता है। तो BDO आप 3-4 साल बाद बनेंगे तो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ग्राम पंचायत लेवल पे आप होंगे, और ब्लॉक लेवल पे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं आप उनके हेड होंगे, चाहे ब्लॉक के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको छुट्टी पास करना हुआ, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का ब्लॉक के अंदर अगर आता है, उस ब्लॉक के अंदर सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो BDO के अंदर होती है। तो एक BDO और CO के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि BDO पोस्ट अच्छा है या CO पोस्ट अच्छा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की सैलरी का क्या डिफरेंस है, प्रमोशन किसकी अच्छी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी इस पोस्ट में आप ये समझ लो कि ब्लॉक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में BDO जो है वो सारे डिपार्टमेंट का एक तरह से हेड होता है, कोई भी छुट्टी किसी को पास करना है या फिर सैलरी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का BDO ही पास करता है, तो उसके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, मजिस्ट्रेट पावर भी होती है ब्लॉक लेवल पे, और जितने भी आपके मनरेगा हो गए या फिर जो भी इस तरह की स्कीम्स है तो उन सब का जो सैनिटरी अथॉरिटी है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है, तो वो उनको डे टू डे काम में मदद करते हैं, तो एक तरह से अच्छा पोस्ट है ये। अगर प्रमोशन की बात करें आपको, जैसा मैंने बताया कि आप RDO पे ज्वाइन करते हैं बेसिक ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे आप ज्वाइन करेंगे Level 7 पे, उसके बाद जो पहला प्रमोशन होगा वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे आपकी प्रमोशन होगी। उसके बाद जो दूसरा जो प्रमोशन होगा, पहला प्रमोशन मान लीजिए कि 3-4 साल में हो जाएगा, लेकिन दूसरा प्रमोशन होने में 10-12 साल लगते हैं, तो दूसरा प्रमोशन जो होगा उसमें आप प्रोजेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं, या तो फिर आप जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो, ये सब का आप हेड बन सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है DDO, तो ये पोस्ट मिलती है, तो यहाँ पे आपको 5400 ग्रेड पे दे दिया जाएगा। और थर्ड प्रमोशन में आप डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर DDC का पोस्ट आपको मिलेगा, जो कि 6600 ग्रेड पे है, तो यहाँ तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और फोर्थ जो प्रमोशन है वो एडिशनल डायरेक्टर, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। जो थर्ड जो प्रमोशन है वो प्योरली आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो इजीली कैप्चर कर लेते हैं, तो वहाँ तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और मिला जुला के सेकेंड प्रमोशन तक आप गारंटी ले सकते हैं कि आप DDO तक रिटायरमेंट के टाइम तक आप बन सकते हैं। तो पहला प्रमोशन में वही 4800 ग्रेड पे है, और करीब करीब काफ़ी सारे पोस्ट हैं, 534 ब्लॉक हैं, तो सब जगह आपको दे दिया जाता है पोस्ट। और सेकेंड जो प्रमोशन होगा जब आप BDO बनेंगे तो भी वही होगा, उसको असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भी कहा जाता है। और थर्ड प्रमोशन में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर
तो कई लोग क्या होता है कि वीडियो है तो वीडियो में ही रह जाते हैं, क्योंकि मान लो कि 534 अगर वीडियो हैं तो उसमें से 138 या 200 सीट्स ही हैं जो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, और थर्ड प्रमोशन तक जाते जाते 38 सीट्स बचती हैं, तो फोर्थ प्रमोशन तो चांस ही नहीं है जीडीसी बनने का। तो वही चीज़ है, तो इस तरह से प्रमोशन काफ़ी स्लो होती है। जैसा कि मैंने सीईओ वाले पोस्ट में भी बताया था कि प्रमोशन काफ़ी स्लो होती है इन सब पोस्ट की। कई बार चांस रहता है कि आप अगर सीईओ हैं तो सीईओ पे ही रिटायर हो जाएंगे, वीडियो है तो वीडियो पे ही रिटायर हो जाएंगे। प्रमोशन काफ़ी स्लो होती है, इसीलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आपको बेस्ट पोस्ट लो, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस की पोस्ट लो या फाइनेंस सर्विस की पोस्ट लो, उन सब में प्रमोशन अच्छी है। लेकिन इन सब में क्या होता है कि सीट्स उतनी है नहीं। अब 500-600 लोग अगर ब्लॉक और सर्किल में अगर भर्ती होते हैं तो नेक्स्ट जो प्रमोशन जो सब डिवीज़न लेवल पे होगा तो वो ऑब्वियसली कम होगा, हर किसी के चांसेस नहीं होते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच पाए। इसके बाद सैलरी की बात करते हैं। सैलरी क्या है कि लेवल 6 जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे। तो एज ए रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जब आपकी जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे मिलेगी, 6 पे के हिसाब से। 7 पे के हिसाब से आपको लेवल 7 दिया जाता है और 44,900 रुपये बेसिक होता है। तो अराउंड मान के चलिए आपकी जो सैलरी होगी वो लमसम जो है वो 50,000 रुपीज़ क्रेडिट होगी अकाउंट में, और 61,000 के करीब आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। और इसके अलावा क्या है कि आपको एक क्वार्टर मिलता है सेपरेट, एक 4 व्हीलर दे दिया जाता है, ड्राइवर दे दिया जाता है, कुक दे दिया जाता है। ये सब एडिशनल बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू अदर जो 4600 ग्रेड पे पोस्ट हैं, उससे बढ़िया है कि आप इस पोस्ट को ज्वाइन करें। लेकिन अभी एज ए आरडीओ में आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको सेपरेट जो कोठी मिलता है, गाड़ी मिलता है, वो सब अभी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको जब एक प्रमोशन हो जाएगा, जब आप वीडियो बन जाएंगे 3-4 साल बाद, तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि एक आपको सेपरेट कोठी दे दी जाएगी, गवर्नमेंट व्हीकल एक दे दिया जाएगा, 4 व्हीलर, ड्राइवर दे दिया जाएगा, कुक दे दिया जाएगा। ये सब वीडियो के लिए है। वीडियो का जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे, लेवल 8 होता है, ठीक है। तो उसका अभी के हिसाब से सैलरी आपकी मान के चलिए कि वो जो आरडीओ की सैलरी, उससे 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा सैलरी हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो वही मान के चलिए 3-4 साल तो मिनिमम लगेगा आपको आरडीओ से वीडियो बनने में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पोस्टिंग लोकेशन। पोस्टिंग लोकेशन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में ढेर सारे ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे 534 ब्लॉक्स है, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। आप आरडीओ लेवल पे भी वहीं रहेंगे, वीडियो लेवल पे भी आपकी पोस्टिंग ब्लॉक में ही होगी। तो थोड़ा सा रूरल पोस्टिंग है इसका, तो ज्वाइन करते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसकी पोस्टिंग जो है वो रूरल है। उसके बाद एक और चीज़ है कि आपकी सिटी पोस्टिंग होने में, जब तक आप ब्लॉक में हैं तब तक तो आपकी सिटी पोस्टिंग नहीं होगी। सिटी पोस्टिंग के लिए आपको 2 प्रमोशन अप होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, जिसमें नहीं भी तो 20 साल कम से कम आपको प्रमोट होने में लगेगा। तो इस पोस्ट को ज्वाइन करते समय वैसे लोग ज्वाइन ना करें जो रूरल एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ और वो सारी चीज़ें, पर्क वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट में है, बिहार गवर्नमेंट में, वो सारा सेम होता है इसमें। और वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो काम थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे जितने भी काम हैं वो सारा आपको वीडियो और सीओ को ही देखना होता है, तो थोड़ा सा टेंशन वाला जॉब तो है। लेकिन सोशल रिस्पेक्ट इसमें काफ़ी अच्छा है, तो उस हिसाब से आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, जिसके पास कोई जॉब नहीं है वो तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, उनको तो कोई भी जॉब मिले वो तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। बाकी वैसे गवर्नमेंट एम्प्लाई जिनके
4500 ग्रेड पे से कम है सैलरी वो इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 5400 ग्रेड पे वालों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए इस पोस्ट को, क्योंकि जो ऑलरेडी 4800-5400 ग्रेड पे हैं वो डिमोट क्यों होंगे, है कि नहीं। उसके बाद प्राइवेट एम्प्लॉई हैं जो गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं, तो वैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट वाले इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये तक है वो आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद PSU एम्प्लॉई डिपेंड करता है कि उनका PSU कैसा है। अगर वो महारत्ना नवरत्ना में आराम से इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं NTPC वगैरह में, NTPC ONGC में, तो उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वाले बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक ऑफिसर्स हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नीचे ही आते हैं, तो वो भी अगर Scale 2-3 तक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। Scale 4-3-4 के ऊपर ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, मॉनेटरी लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था मेरा वीडियो, बताइएगा कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि वीडियो और CEO पोस्ट में कौन सा बेटर है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, अगर बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। जी हाँ, कई लोगों को